क्वेश्चन है, एक HCl मॉलिक्यूल आपको गिवन होगा, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, और ये दो एटम का बना हुआ है, सेपरेटेड बाय 1.27 एंगस्ट्रॉम, 1.27 एंगस्ट्रॉम है इनके बीच में डिस्टेंस, ठीक है। फाइंड लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द मॉलिक्यूल, तो तुम्हें सेंटर ऑफ मास की लोकेशन बतानी है कहाँ होगी, सच दैट क्लोरीन इज 35.5 टाइम्स एज मैसिव एज हाइड्रोजन। तो जो क्लोरीन है उसका मास इसका 35.5 टाइम्स ज़्यादा है हाइड्रोजन से। तो एक बात तो पक्की है, अगर मास बराबर होते तो सेंटर ऑफ मास बिल्कुल मिड पॉइंट में होता, पर इसका मास ज़्यादा है तो सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा राइट पे होगा। तो कहाँ होगा ये निकालना है। अब इससे पहले बेसिक क्वेश्चन में था, मैं आपको ना x1 y1 x2 y2 दे रहा था और तुम वैल्यू पुट करके आंसर निकाल रहे थे, इस बार मैंने देना बंद कर दिया। तो तुम्हें खुद निकालना है कैसे, इमेजिन करो ये HCl मॉलिक्यूल x एक्सिस पे पड़ा हुआ है और मान लो ये y एक्सिस है, तो हाइड्रोजन ओरिजिन पे पड़ा हुआ है इमेजिन करो, और अगर ओरिजिन पे पड़ा है इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, 0.0, खुद एज्यूम कर लेना 0.0, क्योंकि ये लंबाई 1.27 है तो ये वैल्यू क्या आएगी 1.27.0, क्योंकि y कोऑर्डिनेट तो 0 है, इसमें खुद बन गए कोऑर्डिनेट्स, ये क्या बन गया x1 y1, ये क्या बन गया x2 y2, ये क्या बन गया मास m1 = m, और ये क्या बन गया m2 = 35.5 × m, सही है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। आपको m1 पता है, m2 पता है, x1 पता है, y1 पता है, x2 पता है, y2 पता है, वैल्यू पुट करें m1 x1 m2 x2 m1 प्लस m2, x का कोऑर्डिनेट आ गया। अब ये x का कोऑर्डिनेट हाइड्रोजन से आया है क्योंकि हमने ओरिजिन क्या लिया हाइड्रोजन, तो लिख देना आंसर में फ्रॉम हाइड्रोजन, लिखा होगा ऑब्जेक्टिव में फ्रॉम हाइड्रोजन। y कोऑर्डिनेट इसमें आएगा नहीं क्योंकि ये किस पे पड़ा हुआ है, ऑन x एक्सिस, y कोऑर्डिनेट तो पहले भी 0 है अब भी 0 रहेगा। कैसे सॉल्व करना है, HCl मॉलिक्यूल समझ में आ रहा है प्रॉब्लम कैसे करनी है, तो आपको h किस पे लेना है, एट ओरिजिन। तो ढूंढना मत शुरू कर देना, सर मुझको x1 y1 नहीं गिवन, तो तुम इसको ओरिजिन लेके अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। कोई डाउट इसमें, क्लियर है यहां तक। जैसे ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, तीन स्फेयर्स हैं, तीन बॉल्स हैं इकट्ठी पड़ी हुई हैं, हर का रेडियस आर है, आपको क्या करना है, इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास ढूंढना है क्या है। अब एक पॉइंट ध्यान से समझ लेना, इस बॉल का सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे होगा, इस बॉल का सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे होगा, इस बॉल का सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे होगा, पर मेरे को तो तीनों बॉल का सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, तीनों सेंटर ऑफ मास का सेंटर ऑफ मास निकाल लूंगा। तो मैं ये मानूंगा कि इस बॉल का मास m यहां पे पड़ा हुआ है, इस बॉल का मास m यहां पे पड़ा हुआ है, इस बॉल का मास यहां पे पड़ा हुआ है। अब ये डिस्टेंस r और r 2r है, 2r है, 2r है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। प्रॉब्लम ये है कि मेरे को x1 y1 x2 y2 x3 y3 नहीं गिवन, तो मैं इसमें ओरिजिन मानूंगा, एक एक बॉल का सेंटर ओरिजिन मान लो, इसको मान लो। तो जब आप इसे ओरिजिन मानोगे तो ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस बनेगा, डायग्राम अलग से बन गया ये रहा, तो ये उठा के यहां पे लिख लिया 0.0, ये डिस्टेंस 2r है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा 2r.0, देख रहे हो 2r.0, ये जो पॉइंट देख रहे हो ये वाला, इसमें x कोऑर्डिनेट तो r है, टोटल 2r है तो आधा r है, तो x कोऑर्डिनेट तो r है। y कोऑर्डिनेट के लिए निकाल लेते हैं y की वैल्यू कैसे, 60 डिग्री इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो साइन 60 किसके इक्वल है, y डिवाइडेड बाय 2r है, y की वैल्यू आ गई r√3, y कोऑर्डिनेट आ गया। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, फर्स्ट बॉल का सेंटर यहां बना लिया, सेकंड बॉल का सेंटर यहां बना लिया, थर्ड बॉल का सेंटर यहां बना लिया, तीनों के कोऑर्डिनेट ढूंढ लिए, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। हर का मास mmm है तो इसका मास m है x1 y1, इसका मास m है x2 y2, इसका मास m है x3 y3, तो बस फिर यहां पे वैल्यू पुट करनी है m1 x1 m2 x2 m3 x3 बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 आंसर। ऐसी y कोऑर्डिनेट में m1 y1 m2 y2 m3 y3 बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 y कोऑर्डिनेट, तो फाइनली आंसर मार्क करना है। समझ में आ रहा है कि ये कॉन्सेप्ट कैसे यूज करना है, तो पहले आपने इस बॉल का सेंटर ढूंढना है 0.0, इसका कोऑर्डिनेट और इसका कोऑर्डिनेट ढूंढना है, फिर x1 y1 आएगा, x2 y2 आएगा, x3 y3 आएगा, और फिर m1 x1 m2 x2 m3 x3 से अपना आंसर निकाल लेना है। कोई डाउट इसमें, मेथड समझ में आ रहा है, मैं सब अनसॉल्व्ड शीट में दूंगा आपको, नेक्स्ट टाइम प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपने ट्राई करनी है,
मिलता जुलता क्वेश्चन ऐसा भी आता है, ये देखो ये वाला क्वेश्चन आएगा ऐसा, आपको तीन ब्लॉक्स देगा, ये रहे तीन ब्लॉक्स, तीन ब्लॉक्स में ये कोऑर्डिनेट देगा आपको 0.0, 4.0, 0.4। हर ब्लॉक का मास दे रहा है 1.5 kg, हर का डिब्बे का मास आपको पता है, आपको पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो क्या रूल है, इधर देखो, इस ब्लॉक का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, इसके सेंटर पे, इस ब्लॉक का सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे, इस ब्लॉक का सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे, तीनों का सेंटर ऑफ मास का सेंटर ऑफ मास आपको निकालना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए काम करते हैं, सबसे पहले 1.5 1.5 1.5 केजी के ब्लॉक्स हैं, तो ये 1.5 केजी इसके सेंटर पे पड़ा होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा ये इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेट देखो, तुम्हें क्वेश्चन में ये 4.0 गिवन है और ये 0.4 गिवन है, ऐसे। अब मुझे आंसर दो, अगर ये डिस्टेंस 4 मीटर है तो आधा डिस्टेंस 2 मीटर है, आधे से आधा 1 मीटर है, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हुआ, 1, ऐसे होगा। फिर उसी तरीके से ये डिस्टेंस 4 मीटर है, ये 0.4 है, आधा डिस्टेंस 2 मीटर है, आधे से आधा 1 मीटर है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 1.1। इसका वाई कोऑर्डिनेट 1 है, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट भी एग्जैक्टली 1 है, और एक्स कोऑर्डिनेट में ये डिस्टेंस 2 मीटर है, 2 + 1 3 मीटर है, तो ये 3 कोऑर्डिनेट आ गया। आई होप सबको इतना मैथ्स आता है कोऑर्डिनेट निकालना। और इसके अंदर ये डिस्टेंस 2 मीटर है, ये डिस्टेंस 1 मीटर है, तो टोटल वाई कोऑर्डिनेट 3 हो गया, और एक्स कोऑर्डिनेट तो ये 1 है, ये 1 है, तो ये भी 1 है। तो तुमने इसको ओरिजिन मानते हुए इन तीनों के क्या निकाल लेने हैं, कोऑर्डिनेट्स। तो आपको मासेस तो पता ही है, m1 m2 m3, अब आपको 0.0 x1 y1 पता, ये रहा सॉरी ये नहीं, ये आपको इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 पता लग गया, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 x3 y3 फॉर्मूले में पुट कर दें, m1 x1 m2 x2 m3 x3 तक ऐसे y कोऑर्डिनेट पे पुट कर दें, आंसर। क्योंकि एक बॉल एक ब्लॉक सिमिट्री में है, तो उसका मास कहाँ पड़ा होगा, उसके सेंटर पे, तो हमने पॉइंट ढूंढ लिया, यहाँ पड़ा हुआ है मास, फिर हमने ये पॉइंट ढूंढ लिया, यहाँ पड़ा है मास, तो ये पॉइंट मास बना लिया, तो तीन पॉइंट मास का सेंटर ऑफ मास निकाल दिया। क्या निकालना चाहते हो, सेंटर ऑफ मास? आप एक आध क्वेश्चन में तुक्के से ठीक कर गए तो कर गए, पूरे चैप्टर में तो आपको मेरी टेक्निक लगानी पड़ेगी। अगर इतनी ज्योमेट्री होती तो मेरी बात मानो, ये ना मैथ्स का चैप्टर होता सेंटर ऑफ मास, कि हम ज्योमेट्री से कर लेंगे, फिजिक्स का ना होता, ठीक है, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम ऐसी शेप्स लेके आएंगे उसमें इंटीग्रेशन यूज होने वाली है, ठीक है। तो इसके अंदर ये एक क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन के साथ क्लोज करते हैं। पहला कि अगर आपको m1 m2 गिवन है, बराबर है, आपको इसमें v1 वेक्टर v2 वेक्टर गिवन है, आपको a1 वेक्टर a2 वेक्टर भी गिवन है, आपको ये निकालना है सेंटर ऑफ मास किस में मूव करेगा, स्ट्रेट लाइन में, सर्कल में, पैराबोला में, किस में, किसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सेंटर ऑफ मास में। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालने, पहले तुम्हें इसमें सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वेक्टर निकालनी आती है, तो तुम यहां पर मास को m और m पुट कर दो, वेलोसिटी वेक्टर v1 वेक्टर पता है, v2 वेक्टर पता है, तो v1 वेक्टर v2 वेक्टर पता है, m और m पता है, m m m कैंसिल, वेलोसिटी वेक्टर निकाल लोगे सेंटर ऑफ मास का सॉल्व करके, ऐसी एक्सेलेरेशन वेक्टर निकाल लोगे m1 a1 वेक्टर, हाँ एक्सेलेरेशन के लिए सेम फॉर्मूला वैलिड है, जैसे वेलोसिटी के लिए वैलिड है एक्सेलेरेशन के भी वैलिड है, m1 a1 वेक्टर m2 a2 वेक्टर बाय m1 प्लस m2, a1 वेक्टर a2 वेक्टर पता है, m m m कैंसिल, आंसर। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास, कोई डाउट इसमें? अब क्या तुम मुझे ये बता सकते हो, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ये रहा, एक्सेलेरेशन सेंटर ऑफ मास ये रहा, इनकी शक्ल देखते हुए क्या ये स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे कि सर्कल में? क्यों स्ट्रेट लाइन में, पैरेलल है, वी वेक्टर की डायरेक्शन आई कैप प्लस जे कैप है, ए वेक्टर की डायरेक्शन भी आई कैप प्लस जे कैप है, दे आर इन सेम डायरेक्शन, तो स्ट्रेट लाइन है। अच्छा ये बताओ, अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप होता और एक्सेलेरेशन की वैल्यू आई कैप माइनस जे कैप होती, अब ये कैसे मूव करते? स्ट्रेट लाइन, हाँ या ना, कैसे?
हाँ ये परपेंडिकुलर है, इनका डॉट प्रोडक्ट 90 है और 0 है, तो यानी कि ये तो पता लग रहा है कि ये दोनों आपस में 90 डिग्री पे हैं, तो क्या पाथ बनेगा? सर्कल, क्योंकि टेंजेंशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी टेंजेंशियल और एक्सेलेरेशन 90 डिग्री पे होते हैं, तो दे विल मूव इन अ सर्कल। वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन जब 90 पे होंगे तो सर्कल आंसर है, और अगर सेम डायरेक्शन में है तो स्ट्रेट लाइन आंसर है, राइट? क्या ये पॉइंट्स सबको समझ में आ रहा है? क्लियर है? बहुत है आज के लिए।